205 इकाई संख्या 2 उप इकाई तीन 2.3 की इस ऑनलाइन कक्षा में सभी का स्वागत है। अध्याय 2 का उपाध्याय 2.3 चॉइस ऑफ ड्रेस मुद्रा की पोशाक का चयन से संबंधित है। पोशाक या ड्रेस के बारे में हम जानते हैं कि शरीर को ढकने, शरीर के किसी हिस्से को सुरक्षा देने, यानी व्यक्ति को एक बाहरी तौर पर कपड़े या कपड़े के वैकल्पिक आवरण द्वारा ढकने, बाहरी वातावरणों के दुष्प्रभाव से बचाने, धूल धूप और अन्य प्रकार के दुष्प्रभाव से बचाने का काम करता है। तो कपड़े के संबंध में आप कह सकते हैं पोशाक एक ढकने वाला विशेष एक साधन है जिससे शरीर को ढका जाता है, शरीर के किसी हिस्से को ढका जाता है, किसी हिस्से को सुरक्षा प्रदान की जाती है, उससे धूल से बचाव होता है, धूप से बचाव होता है, दुर्घटना से बचाव होता है, बारिश है या अन्य प्रकार के जो भी परिस्थितियाँ हैं उन सब से हमारा बचाव होता है। यानी कि पोशाक सभ्यता का प्रतीक है, संस्कृति का प्रतीक है, पोशाक का पहनना सुंदरता का प्रतीक है, पोशाक सुरक्षा का प्रतीक है, पोशाक अपनी पहचान का प्रतीक है, पोशाक किसी कार्य को करने का प्रतीक है। जैसे मेडिकल साइंस के डॉक्टर्स की पोशाक अलग होती है, वकील का व्यवसाय करने वाले एडवोकेट्स की ड्रेस अलग होती है, और पेट्रोल पंप पे काम करने वाले पेट्रोल वर्कर्स की ड्रेस अलग होती है, पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने वाले पुलिसमैन की ड्रेस अलग होती है, और भी बहुत सारे कार्य हो सकते हैं जो जिनकी ड्रेसेस अलग होती है। एयरफोर्स में काम करने वाले की ड्रेस अलग है, और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम करने वालों की परिस्थितियों के हिसाब से भिन्न या विभिन्न प्रकार की स्पेशल ड्रेसेस हो सकती हैं। ये ड्रेसेस किसी कार्य विशेष के प्रति एक विशेष पहचान का सूचक होती है। यानी कि ड्रेस या पोशाक व्यक्ति की वैयक्तिक, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक क्षति को रोकने, कार्य विशेष में संलग्न वर्कर को कार्य के दौरान सुरक्षा देने, कार्य की पहचान स्थापित करने और उसके वास्तविक दैनिक उपयोग के कपड़ों को गंदा होने से बचाने के लिए प्रयोग में ली जाती है। यानी पोशाक एक पहनने वाले आवरण, ढकने वाले आवरण, कपड़े का बना हुआ कोई साधन है जिसे व्यक्ति धारण करता है और उसे अपने शारीरिक सुरक्षा और कार्य करते समय विशेष प्रकार के कार्यों के दुष्प्रभाव से सुरक्षा करता है। तो पोशाक के बारे में हमने संक्षिप्त जानकारी ली है। ये कपड़े अथवा कपड़े के वैकल्पिक साधन से निर्मित कोई वस्तु होती है जिसको हम कमीज, ड्रेस, शर्ट, पैंट, कोट, ओवरकोट, प्रोफेशनल ड्रेस इत्यादि कह सकते हैं। मुद्रण तकनीक के क्षेत्र में जो ड्रेस है वो ओवर कोट कही जा सकती है, पैरों के जूते कहे जा सकते हैं, आंखों के चश्मे कहे जा सकते हैं, हाथों के दस्ताने कहे जा सकते हैं, और कार्य करने के दौरान किसी वस्तु को स्पर्श करने, छूने इत्यादि के लिए कोई और रिमोट, कोई उपकरण या कोई वस्तु हो सकती है। यानी पोशाक व्यक्ति को शारीरिक सुरक्षा देने के अतिरिक्त
कार्य करते समय दुर्घटनाओं से बचाती है। मुद्रक की ड्रेस के चयन के संबंध में कुछ बातों के बारे में जानना ज़रूरी है कि मुद्रण तकनीक में कौन कौन से पदार्थ इस्तेमाल होते हैं, उनके क्या दुष्प्रभाव हैं, और उस हिसाब से ही हम ड्रेस का चयन कर सकते हैं। मान लीजिए स्याही का दुष्प्रभाव या स्याही में मौजूद केमिकल्स हैं जो एक बार कपड़े पर लगने के बाद साफ़ नहीं होते, तो हमें एक ऐसा ड्रेस चाहिए जो उस केमिकल से बचाव कर सके। और यानी कि आप ये मान के चलिए मुद्रण तकनीक के क्षेत्र में स्याही का इस्तेमाल किया जाता है, फोटोग्राफी केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, धारदार वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता है, विद्युत उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है, भारी वस्तु नुकीली वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है, और कार्य के दौरान स्याही और खास और अन्य केमिकल्स के संपर्क में भी आने की आवश्यकता होती है। यानी जैसी परिस्थितियाँ होती वैसी ड्रेस आती है। यानी ड्रेस का चयन इस बात पर निर्भर करेगा आप रसायन के संपर्क में हैं, धारदार वस्तुओं के संपर्क में हैं, विद्युत उपकरणों के संपर्क में हैं, भारी वस्तु के उठाने का काम करते हैं, नुकीली या धारदार वस्तुओं के संपर्क में हैं, और कितने घंटे या कैसे कार्य की परिस्थितियाँ हैं, उस हिसाब से ही हमारे ड्रेस का चयन किया जाता है। तो मुद्रण तकनीक के क्षेत्र में कागज है, स्याही है, रसायन है, कोई धारदार वस्तु है, और लेड युक्त टाई फेसेस हैं, इनका प्रयोग होता है तो इनके संपर्क में आने से, इनको बार बार छूने से, इनके जो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रभाव सांस की मार्फत शरीर पर पड़ने इत्यादि के लिए कुछ ड्रेस पैटर्न हो सकते हैं, और उनके द्वारा हम शारीरिक सुरक्षा, वातावरणीय सुरक्षा, दुर्घटना से बचाव और होने वाली दुर्घटना से होने वाली आर्थिक क्षति को रोक सकते हैं। तो आपने जाना कि ड्रेस व्यक्ति को शारीरिक सुरक्षा देती है, आत्मविश्वास बढ़ाती है, दुर्घटना से होने वाले आर्थिक क्षति को रोकती है, और व्यक्ति कार्य करते समय आसान अनुभव करता है। तो मुद्रण तकनीक के क्षेत्र में खास करके लेटर प्रेस प्रिंटर्स जो भी फॉर्म की लॉकिंग के दौरान, मेक रेडी के दौरान, प्री मेक रेडी के दौरान और वास्तविक प्रिंटिंग के दौरान जो भी कार्य करता है, तो कार्य के दौरान होने वाली क्षति या कार्य के दौरान इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स, उपकरण, अन्य वस्तुओं के संपर्क में आने से होने वाली शरीर की टूट फूट, शरीर की क्षति या शरीर के डैमेज होने की परिस्थितियों से बचाने के लिए हमें ड्रेस का चयन करना पड़ता है। तो प्रिंटर की पोशाक एक मोटे कपड़े की होनी चाहिए, जिससे कि किसी के संपर्क में आने पर वो चीज़ आसानी से कटे फटे नहीं। आँखों पे पहने जाने वाले चश्मे ऐसे हो ताकि वो उसे देखने में कोई बाधा नहीं हो, और जो भी हानिकारक लाइट या प्रकाश जो उसके दौरान दिखाई देता है वो आँखों पे दुष्प्रभाव नहीं डाले। जूते इस तरह के हो ताकि कोई भारी वस्तु, धारदार वस्तु या कोई और इलेक्ट्रिक मटेरियल वगैरह किसी परिस्थिति बस गिर जाता है तो उससे पैरों की रक्षा हो सके। हाथों के दस्ताने ऐसे हो कि काम करने में बाधा भी ना हो और उनसे हम किसी वस्तु को पकड़ सके, उठा सके और अपना काम कर सके, यानी उंगलियों को मोड़ने में कोई दिक्कत ना हो। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक प्रेस प्रिंटर को मुद्रण कक्ष यानी प्रेस रूम की परिस्थितियों को देखते हुए, उसमें इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल्स की परिस्थितियों को देखते हुए, उसमें मौजूद भारी वस्तु की परिस्थिति को देखते हुए, उसमें मौजूद केमिकल्स, धारदार वस्तुएं, विद्युत उपकरण इत्यादि की परिस्थितियों को देखते हुए ड्रेस का चयन करना चाहिए। और ड्रेस के चयन में देखना चाहिए कि उसके अंदर के कपड़े ख़राब ना हो, उसको कार्य करने के दौरान बाधा ना हो, और ड्रेस के पहनने के पश्चात उसको अपने शरीर को मूव करने, हाथों को ऊपर नीचे करने, घुमाने
और कार्य की परिस्थिति के हिसाब से शरीर को मूव करने में कोई बाधा नहीं है। तो मुद्रण तकनीक में कार्य करते समय मुद्रण कक्ष में यानी प्रेस रूम में किसी प्रिंटर को शारीरिक सुरक्षा देने, मानसिक आत्मविश्वास पैदा करने, दुर्घटना जनित आर्थिक क्षति के बचाव के लिए जो पहना जा सकता है पोशाक के तौर पे वो है ओवरकोट का प्रयोग, यूज़ ऑफ ओवरकोट, हाथ में दस्ताने का प्रयोग, आँख पर चश्मा का प्रयोग, पैर में जूतों का प्रयोग, धारदार वस्तु, विद्युत उपकरण और भारी वस्तु के प्रयोग के दौरान सावधानी के प्रमुख बिंदुओं को मस्तिष्क में याद रखें और उनका प्रयोग करें। ये हमारा ड्रेस के संबंध में है और जीवन के क्षेत्र में ड्रेसेज हैं उनके कोई कोई टारगेट होते हैं और हमारा यहाँ पर टारगेट ये है कि जो मुद्रक या प्रिंटर या वर्कर जो काम करता है उसकी आंखों में केमिकल का प्रभाव न जाए, उसकी सांसों में उस केमिकल्स की जो इनहेलिंग होती है या रेस्पिरेशन के द्वारा कोई दुष्प्रभाव पैदा करता है वो कम से कम हो, केमिकल का हाथों पे त्वचा पे कोई ज़्यादा प्रभाव ना हो, धारदार वस्तुओं से शरीर में कोई नुकीली वस्तु या धारदार वस्तु त्वचा या शरीर के किसी हिस्से में काट छाँट ना करे और किसी भारी वस्तु के पैरों पर पड़ने पर उंगलियों में कोई टूट फूट ना हो और कार्य के दौरान हमारे जो वास्तविक कपड़े हैं वो गंदे ना हों। इस तरह से देख के हम किसी प्रिंटिंग वर्क के तो पोशाक का चयन कर सकते हैं और ज़्यादातर प्रिंटर्स ओवरकोट पहनते हैं, चश्मा पहनते हैं, पैर में जूते पहनते हैं, ये सब उनकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी होता है और विद्युत उपकरण या अन्य को संपर्क में लेने से पहले वो दस्ताने पहन सकते हैं। विद्युत उपकरण को के संबंध में रबड़ से बने दस्ताने हो सकते हैं या विद्युत का कुचालक कोई और वस्तु निर्मित दस्ताना हो सकता है और केमिकल्स के संबंध में केमिकल रेजिस्टेंट वाला दस्ताना हो सकता है। इस तरह से हम विभिन्न प्रकार की पोशाक और पोशाक के विभिन्न वैकल्पिक साधनों का प्रयोग करके अपने शरीर की सुरक्षा, वातावरणीय घटकों से सुरक्षा, केमिकल से सुरक्षा, धारदार वस्तु से सुरक्षा, विद्युत उपकरण से सुरक्षा और विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं से सुरक्षा कर सकते हैं। इसलिए वर्क फॉर लेटर प्रेस प्रिंटर्स में पोशाक का महत्व है और पोशाक का चयन करते समय अपने इन्हीं सभी सुरक्षात्मक बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। आपको सवालों पर विचार किया जा सकता है जैसे कि पोशाक का मतलब है तो इसका ए विकल्प आएगा शरीर को ढकती है, बी आएगा वातावरणीय घटकों से सुरक्षा देती है, सी आती है दुर्घटना से बचाव करती है और डी आएगा उक्त समस्त सही। तो इसमें हमारे तीनों विकल्प सही हैं, ये ढकती भी है, वातावरणीय घटकों से सुरक्षा भी देती है, दुर्घटना से बचाती है। दूसरा सवाल है प्रिंटर को विशेष पोशाक की ज़रूरत होती है क्योंकि ये है प्रेस रूम में दुर्घटना से बचाव के लिए, बी प्रेस रूम के केमिकल से आंखों के दुष्प्रभाव के बचाव के लिए, सी कार्य करने के दौरान कपड़ों को गंदा होने से बचाने के लिए और डी उक्त समस्त है। तो ये हमारे तीनों विकल्प इसमें सही तो डी आएगा। और तीसरा सवाल है प्रिंटर को पोशाक, प्रिंटर की पोशाक कैसी हो तो आप कहेंगे विभिन्न प्रिंटिंग मटेरियल्स के दुष्प्रभाव से बचाव करें, मुद्रण में प्रयुक्त केमिकल्स से बचाव करें, कार्य के दौरान मशीन के संपर्क में आने के दौरान विभिन्न प्रभावों से बचाव करें। डी उक्त समस्त सही। तो इसमें तीनों प्रकार के विकल्प शामिल हैं तो ये सब है। चौथा सवाल आता है कि लेटर प्रेस प्रिंटर की ड्रेस के मानक क्या है और इसके क्या लाभ हैं। आप कहेंगे लेटर प्रेस प्रिंटर की ड्रेस ऐसी हो जो उसको पहनने के पश्चात उसको शारीरिक सुरक्षा महसूस हो, उसमें आत्मविश्वास पैदा हो, उसको कार्य करने में कोई बाधा ना हो और मुद्रण में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के केमिकल्स या मटेरियल्स के उपयोग के दौरान उसकी उंगलियों में, उसकी त्वचा में और उसके पैरों में कोई दुर्घटना ना हो, कोई टूट फूट ना हो और वो उस ड्रेस के पहनने के पश्चात इजी महसूस करे और अपना काम आसानी से कर सके। इसके उद्देश्य के संबंध में आप कह सकते हैं दुर्घटना से बचाव करती है,
और ड्रेस पैटर्न के तौर पे ओवर कोट है या आँखों में कोई चश्मा है, पैरों में जूते हैं या हाथों में दस्ताने हैं, तो इससे हम केमिकल मटेरियल है, इलेक्ट्रिकल मटेरियल है या कोई धारदार वस्तु है, भारी वस्तु है, उसके दुष्प्रभाव या दुर्घटना से हम बचाव कर सकते हैं। एक बड़ा सवाल बना सकते हैं कि ड्रेस क्या है, प्रोफेशनल ड्रेस क्या है, मुद्रक की प्रोफेशनल ड्रेस का प्रेस रूम में क्या लाभ है। तो आप कहेंगे ड्रेस किसी कपड़ा अथवा कपड़े के वैकल्पिक मटेरियल से बनी हुई कोई सुरक्षात्मक आवरण है जो शरीर को ढकता है, यानी कि ये प्रोटेक्टिव कवर है जो कॉटन या कॉटन के सब्स्टिट्यूट से बना हो सकता है, जो शरीर को ढकता है, शरीर को सुरक्षा देता है और शरीर को बाहरी आवरण वातावरणीय घटक हैं, धूल है, धूप है, हवा है, वर्षा है इत्यादि के दुष्प्रभाव से बचाता है और व्यक्ति को सुंदरता देता है। व्यक्ति की सभ्यता संस्कृति का प्रतीक है, व्यक्ति को किसी विशेष पहचान का प्रतीक बनाता है। जैसे डॉक्टर्स की ड्रेस से आप पता लगा सकते हैं, इनकी सफ़ेद ओवरकोट जो पहना है डॉक्टर्स का है। इंजीनियर्स की ड्रेस अलग हो सकती है, डॉक्टर्स की अलग हो सकती है, वायुसेना में काम करने वाले की अलग हो सकती है और नगर निगम में काम करने वाले किसी सफाई कर्मी की ड्रेस अलग हो सकती है। तो ड्रेस क्या है, व्यक्ति की शारीरिक सुरक्षा, उसकी सुंदरता और उसके कार्य की विशेष अलग पहचान का प्रतीक है। प्रोफेशनल ड्रेस के बारे में आप आ जाइए कि ऐसी ड्रेसेस जो सामान्य जीवन की ड्रेस से अलग होती हैं, वो ड्रेसेस विशेष प्रकार के प्रोफेशंस के लिए बनाई जाती हैं। उन प्रोफेशंस में होने वाले विशेष प्रकार के पदार्थों के रखरखाव, देखभाल, उपचार की दुष्प्रभाव से बचाने के लिए विशेष ड्रेसेस बनाई जाती हैं। जो विशेष ड्रेसेस जो होती हैं वो विशेष प्रकार के व्यवसाय का पहचान देती हैं। ये ड्रेसेस अलग अलग हो सकती हैं और उसके कुछ कानूनी महत्व होते हैं। उस ड्रेस को पहनना अनिवार्य होता है, वकील को काला कोट पहनना ज़रूरी है, डॉक्टर्स का वाइट कोट है या वाइट ओवर कोट है, इस तरह से और भी व्यवसाय की ड्रेसेस हो सकती हैं। तो प्रोफेशनल ड्रेस का मतलब है किसी व्यवसाय विशेष का सूचक जो ड्रेस है वो प्रोफेशनल ड्रेस है। प्रोफेशनल ड्रेस किसी विशेष व्यवसाय के नाम का सूचक होती है। उस विशेष व्यवसाय में काम करने वाले सभी लोग उस प्रकार की ड्रेस को पहनते हैं। वह ड्रेस उनके व्यवसाय, उनके ट्रेडमार्क और उनकी संस्थान का प्रतीक होती है। उस ड्रेस से सुरक्षा मिलती है, उस ड्रेस से उस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को उस एरिया के केमिकल्स, धूल धूप, भारी वस्तु, हल्की वस्तु, नुकीली वस्तु इत्यादि से सुरक्षा देती है। मुद्रण के संबंध में प्रोफेशनल ड्रेस फॉर प्रिंटर या मुद्रक के लिए एक व्यावसायिक पोशाक के रूप में कोई मोटे कपड़े का ओवरकोट और धूल धूप और बिजली इत्यादि की चकाचौंध से सुरक्षित करने के लिए आंखों के चश्मे, बिजली के उपकरण या भारी दुर्घटना, भारी वस्तु की दुर्घटना से बचाने के लिए पैरों के जूते, हाथों के दस्ताने, एक पोशाक का विकल्प हो सकते हैं और इनको पहन करके हम मुद्रण कक्ष में सुरक्षा के साथ कार्य कर सकते हैं। यानी मुद्रण कक्ष की विभिन्न परिस्थितियों से दुर्घटना से बचाव और कार्य के दौरान इजी महसूस करने के लिए जो ड्रेस होती है वो प्रिंटर की ड्रेस कहलाती है। प्रिंटर ड्रेस के द्वारा अपनी शारीरिक सुरक्षा, एक मानसिक आत्मविश्वास, कार्य करने के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं से क्षति और नुकीली धारदार या विद्युत उपकरण से होने वाले शरीर पर पड़ने वाले दुर्घटनात्मक प्रभावों को बचाने का काम करती है। इसको प्रिंटर्स ड्रेस कह सकते हैं, जिसमें ओवरकोट, हाथों के दस्ताने, चश्मे, पैरों के जूते हो सकते हैं। अब आप इसके फ़ायदों के बारे में चर्चा कर लीजिए। अलग ये बातें आती रही हैं पूरे ई लेक्चर के दौरान, तो आप ये कह सकते हैं यह विशेष प्रोफेशनल व्यक्ति की पहचान होती है, ये मुद्रण में काम करने वाले व्यक्तियों को सुरक्षा देती है,
ये मुदड़ में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के मेटेरियल्स और धारदार वस्तु भारी वस्तुओं से बचाव करती है। इससे आंखों को सुरक्षा मिलती है, इससे त्वचा को सुरक्षा मिलती है, इससे पैरों को सुरक्षा मिलती है, इसको शारीरिक क्षति इसे बचाव कर सकते हैं, यानी ड्रेस से शारीरिक क्षति इसे बचाव किया जा सकता है। और व्यक्ति कार्य करने के दौरान अपने हाथ पैरों को मूव करने और काम करने में इजीनेस यानी सरलता अनुभव करता है। इस तरह से प्रोफेशनल ड्रेस फॉर प्रिंटर्स उनके शारीरिक सुरक्षा, उनकी भावात्मक सुरक्षा, दुर्घटना से होने वाले आर्थिक दुष्प्रभावों से सुरक्षा और कार्य करने के दौरान इजी अनुभव करने का जो एक एहसास है वो दिलाता है। इसलिए प्रिंटर को अपनी ड्रेस का चयन करते समय अपने शारीरिक आवश्यकता, मानसिक सुरक्षा और मुद्रण कक्ष में होने वाले गतिविधियों के प्रभाव को आंक करके ड्रेस का चयन करना चाहिए। इस तरह से आपने समझा है और ये काफ़ी रुचिकर बिंदु है। ये एक नंबर, दो नंबर, चार नंबर, छः या बारह में आ सकता है। आप इसे समझ लेना, देख लेना, इसको ई लेक्चर को देख के सुन करके संक्षिप्त नोट बना लेना और टेस्ट और थियोरेटिकल एग्ज़ाम ईयरली की तैयारी कर लेना। और इस तरह से आप अपनी पढ़ाई का एक संक्षिप्त नोट बना के लास्ट मिनट प्रिपरेशन का एक सोर्स तैयार कर सकते हैं। इस कक्षा में आने के लिए सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।